साथ रखें और ज़हनो फिक्र की वादियों को बिल्कुल आप साफ सुथरा कर लें कि आज के दिन हम जलसे में कम आए हुए हैं, अपने नबी के जश्न में ज्यादा आए हुए हैं। वाह वाह, क्या बात है। इस ख्याल को अपने जहन में रखें तो यकीनन हमारे मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। एक मौके से हजरत हसन बसरी फरमा रहे थे, ए अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाते रहो, एक ना एक दिन जरूर खुल जाएगा। क्या बात है, खटखटाते रहो, एक ना एक दिन जरूर खुल जाएगा। वहां पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा हसन बसरी, अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद भी होता है क्या? क्या बात है, वाह 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 वाह, की रहमत का दरवाजा बंद भी होता है क्या? ये सुनने के बाद हजरत हसन बसरी कश खाकर बेहोश होकर गिर पड़े और उन्होंने कहा होश में आने के बाद कि या अल्लाह, ये बुढ़िया तो तुझे मुझसे ज्यादा जानती है। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस खटखटाने की जरूरत है। मगर एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है, अश्कों की जरूरत है। क्या बात है, जिंदाबाद। आंसुओं की जरूरत है। अगर आप आंसुओं से अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाएंगे तो यकीनन खुल जाएगा। ये इश्क़े रसूल की गर्मी है जो गर्मी हमें यहाँ नजर आ रही है। देखिए, गर्मी तो कई तरह की होती है, एक मौसम की गर्मी होती है, एक खून की गर्मी होती है, एक ताकत की गर्मी होती है, एक दौलत की गर्मी होती है, एक औलाद की गर्मी होती है, मगर सारी गर्मी थाने में झड़ जाती है। ये क्या बात है, सारी गर्मी थाने में है। बस एक गर्मी है जिसको तमाम हासिल है, जिसको इश्के रसूल की गर्मी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। जो इश्के रसूल से मंसूब है, लिहाजा जो गर्मी आपके दिल में है, जो गर्मी हमारे दिल में है, इस गर्मी को इश्के रसूल की गर्मी कहते हैं। इस गर्मी की लौ को थोड़ी और तेज कर लीजिए तो इंशाल्लाह ये बारिश और ये मौसम आपके जहन से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार सब लोग मोहब्बत के साथ अपने नबी की मोहब्बत में झूम कर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। आज हम निजामत कम क्या बिल्कुल नहीं करेंगे, दो चार बातें ऐसे ही आपको बता देंगे, इसलिए कि हम बिला वजह निजामत भी नहीं करते हैं, ना बिला वजह शायरी करते हैं। क्या बात है, बिला वजह हम निजामत करते हैं, ना बिला वजह शायरी करते हैं। मेरे भाई हजरत हाफिज़ क़ारी अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह मेरे तमाम अहबाब बैठे हुए हैं, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बारिश मत देखिए, बारिश बिल्कुल मत देखिएगा। आज आपको बारिश नहीं देखना है, ना मौसम देखना है, आज आपको अपने नबी की रहमत देखना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बारिश मत देखिएगा। है कि नहीं, हम तो दावत देते हैं, खुदा की कसम दावत देते हैं, ए बारिश, तुम्हें बरसना है तू बरस ले, जितना जी चाहे बरस ले, ए हवाओं तुम्हें आना है तुम भी आ जाओ, ए तूफान तुम्हें आना है तुम भी आ जाओ, हम सब नबी के वफादारों की शिरकत चाहते हैं। क्या बात है, बस गद्दारों से बच जाए तो हमारी कामयाबी। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, बस सरदारों से बच जाए तो हमारी कामयाबी है। ये सब नबी के वफादारों की हम शिरकत चाहते हैं। अज़ीज़े गिरामी, जनाबे इमरान रज़ा ने बहुत ही शानदार पढ़ा, मैं जनाबे नूरुद्दीन नईमी से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ चंद शेरों पे इक्तफा फरमाएं, वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है। ए बेटा, जरा तुम लोग भी बोलते रहो सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से, माशाल्लाह तुम्ही लोगों पे पूरा एतमाद है और पूरी गाड़ी तुम्ही पे टिकी हुई है। क्या बात है, नहीं इसलिए तुम्हें खामोश नहीं होना है। ये बच्चे अगर खामोश हो गए तो यकीनन हम खामोश हो जाएंगे, है कि नहीं। ये बच्चे बस बोलते रहे, माशाल्लाह, जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बस इसी तरह से बेदार रहिएगा। मैं जनाबे नूरुद्दीन नईमी को आपके सामने पेश करता हूँ। ये जनाबे शहनवाज हसन हैं, जनाबे हबीबुल्ला नूरी हैं, जनाबे मामून नशीद हैं। ये ऐसे शायरी के कोलंबस का नाम है कि किसी भी बड़े मुशायरे के लिए सिर्फ एक शायर काफी है।
क्या बात है, वाह वाह वाह, हम माशाल्लाह, बस मोहब्बत के साथ सुनने की जरूरत है। जनाबे नूरुद्दीन नईमी से हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं, जरा एक बार मुस्कुराते हुए अच्छे माहौल में अपने नबी की मोहब्बत में जरा मुस्कुराते हुए बोल दो। अल्लाह, जनाबे नूरुद्दीन नईमी से गुजारिश है।